वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूरा स्वागत करती हूँ आज आपका मेरी नई वीडियो में। पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने कुछ भी अपलोड नहीं करा था क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं कर रखा था, ना ही मेरे को टाइम मिल रहा था कुछ शूट करने के लिए। उस चीज़ के लिए वेरी 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 सॉरी। तो मैं आज बताती हूँ मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली, एक लहंगा मेकअप लुक शेयर करने वाली, क्योंकि वेडिंग सीजन आ चुके हैं और हम लोग वेडिंग में मेकअप ना करें ऐसा तो हो ही सकता है। स्पेशली गर्ल्स लव लहंगा साड़ी एंड सूट, इन सब के साथ मैं आपके लिए मेकअप लुक शेयर करने वाली। पर मैं आज आपके साथ एक ब्यूटीफुल लहंगा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ विदाउट एनी फर्दर। सीटीएम रूटीन ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो मैं सीटीएम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि आपको पता है। उसके बाद मैं अपना फेवरेट सिलिकन बेस्ड प्राइमर जो कि है मालियों का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला प्राइमर है और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऑयली स्किन वाले हो या फिर ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सिलिकन बेस्ड प्राइमर ट्राई कीजिए। स्पेशली मालियों के प्राइमर्स बहुत ज़्यादा अच्छे, स्पेशली ये प्राइमर जो मैं ट्राई कर रही हूँ ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्राइमर है। तो मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर इसे ट्राई करें। सॉरी अगर आपको मेरे वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, सो इस बार वेयर कर लो, नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फाउंडेशन मैं यहाँ लोटस का फाउंडेशन ले रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मीडियम टू बिल्ड एवर कवरेज है, मतलब ये आपको शीयर से मीडियम कवरेज तो देगा, अगर आप इसे बिल्ड कर लोगे ना तो ये आपको अच्छी खासी कवरेज देगा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बिल्ड एवर कवरेज है। मुझे यही चाहिए कि हाई कवरेज ना हो कि फिर हम मतलब कभी कभी हमें अच्छा लगता है कम, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। साइड का कंसीलर ले रही हूँ इन दी शेड 03 हनी, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला कंसीलर है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला। और मेरे पास एक और भी इन साइड का कंसीलर है, वो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया वाला कंसीलर है, मतलब इन साइड के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं बहुत। मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया, मतलब लेने के बाद ना आप उन्हें रिग्रेट नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ क्या मैं वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल में इनसाइट कर लूँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो फॉर श्योर ज़रूर मैं करूँगी। कमेंट ज़रूर करा करो यार। मैं सोच चुकी हूँ मैं बेस को सेट करी हूँ इनसाइट के कॉम्पैक्ट पाउडर से, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है। एवन के आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज फिल करूंगी, से ब्रश से बहुत अच्छे से कॉम करूंगी। आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप में सबसे पहले एक कलर बार के ब्लेंडिंग ब्रश में मैं ब्रॉन्जी शेड लेके अपने क्रीज पर लगा के बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। जो मेरे लहंगे का कलर है उस कलर को लेके मैं पूरे अपने आईलिड्स पे लगाऊंगी। सेम ये मैं अपने दूसरे आईलिड्स पे आके दोबारा मिलते हैं दोनों आईलिड्स पे कलर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं सेंटर में कट क्रीज करूंगी, उसके लिए मैंने सेम इनसाइड का कंसीलर ले लिया और मैं फ्लैट ब्रश से लेके सेंटर आईलिड्स को कट कर। टाइम फेवरेट SFR का हाईलाइटर लेके जहाँ मैंने कट क्रीज करा मैं वहां पे लगाऊंगी, जिससे कि मेरा बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा लुक आने वाला है। और ये भी इतना ज्यादा पिगमेंटेड हाईलाइटर है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहूँगी आप अगर एक अच्छा हाईलाइटर चाहिए ना मतलब तो आप ये ले लो यार, आप रिग्रेट नहीं करोगे सच्ची में। देख रहे हो यहाँ थोड़ा सा सीन हो गया है, कोई बात नहीं, बट कितना अच्छा लग रहा है मतलब अपने को तो यार। जो भी थोड़ा सा नीचे मैस हुआ है वो हम सब क्लीन कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब यार आई मेकअप कितना प्यारा लग रहा है, अब जो भी हल्का सा हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सेम ब्रॉन्जी कलर लगाऊंगी। शेप देने के लिए यहाँ पे शुगर की पैलेट यूज करी, इसमें से मैं ब्रॉन्जर शेड लेके अपने फेस को हल्का सा ब्रॉन्ज करूंगी।
इसी में से मैं ये ब्लश शेड लेके अपने फेस पे ब्लश लगाऊंगी। ये बहुत प्यार हाइलाइटर के लिए मेरा ऐसा बाहर का हाइलाइटर ले रही है, मतलब मैं इतना तो ऑब्सेस्ड हो चुकी ना इस हाइलाइटर से कि मतलब मुझे लगता है घूम फिर के ये हाइलाइटर लगा लो, घूम फिर के ये हाइलाइटर, मतलब मैं इतनी ज्यादा मुझे हाइलाइटर से प्यार हो गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़िया वाला हाइलाइटर है। इसकी शाइन, ओ माई गॉड क्या प्यारा हाईलाइटर है, इससे ज्यादा अच्छा बढ़िया हाइलाइटर मैंने आज तक नहीं देखा। इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करें ब्राउन बोन, क्योंकि मैंने अपने फेस पे लगाया अच्छे से सब मर्ज हो जाए, उसके लिए मैं डैब ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब डैब करूँ। मैंने अपना पूरा मेकअप सेट करने के लिए इनसाइड का मेकअप फिक्सर यूज़ करा था और मेरे को ब्लश थोड़ा कम लग रहा था, मैंने दोबारा से ब्लश लगा के एक लिपस्टिक लगा के अपना पूरा लुक कम्प्लीट कर दिया। कुछ ऐसा लुक टर्न आउट हो गया। ये ज्वेलरी जो है ये मीशो की है, ये मैंने मेरे लोकल स्टोर से लिया, ये मैंने मेरे लोकल स्टोर से लिया, ये भी मेरे लोकल स्टोर से है। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिया मैं उनके यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी, तो आप इजीली देख लेंगे क्या प्राइस और कैसा क्या है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। फोटोज़ और रील्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्टिव देयर। और मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो पसंद है तो क्या करना, इस वीडियो का लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार, बगल में बेल बटन है उसको भी वीडियो को सगे समझ के वीडियो को सगे समझ के साथ शेयर कर देना और कमेंट जरूर करके जाना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।